खाने पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। मैं उनमें से नहीं जो खाने पर अपने जज्बात निकालूं। मैं खा चुकी हूं। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं मैसेडोनिया में हूं और आपने मेरे बगैर खाना खाया है। मजबूरी थी, आदत डालनी होगी अब, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है जिसकी अहमियत मुझसे ज्यादा है। मैंने अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारे नाम किया, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि तुम अपना नाम किसी और के साथ जोड़ना चाह रहे हो। आप यही चाहती हैं ना कि मैं मैसेडोनिया का तख्त संभालूं? शाह फिलिप भी यही चाहते हैं। बेहोशी में किए गए वादे और होश में किए गए इरादे में फर्क होता है अलेक्जेंडर, और तुम्हें यकीन है कि शाह फिलिप होश में आने के बाद तुम्हें वली अहद मुकर्रर करेंगे? बेशक, शायद जो आज शाह ने कहा वो आपने सुना नहीं। बेशक सुने, इसलिए ग्रीक के सबसे काबिल हकीमों को यहां बुलवाया है। जिस इंसान को मरते हुए देखना चाहती थी उसकी जिंदगी बचाने के लिए, ताकि तुम्हारा हकीकत से सामना हो सके, क्योंकि कड़वे सच का घूंट और शिकस्त की मार जितनी जल्दी इंसान महसूस कर ले उतना बेहतर है। अब तो मेरी भी ख्वाहिश है कि तुम्हारे शाह फिलिप जल्द दुरुस्त हो जाएं, ताकि तुम उसका असल चेहरा जल्द से जल्द देख सको और उसके मिजाज का असल रंग समझ सको। अच्छा है, उम्मीद है इससे हमारी मुश्किलें आसान होंगी। मुश्किलों का तो पता नहीं, मगर हमारी गलत फहमियां जरूर दूर होंगी। जब हमारे बीच में गलतफहमी ही नहीं तो इतना इसरार क्यों? कुछ खा लीजिए, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि आपने कुछ नहीं खाया है।